फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम द्विवेदी है और रिसेंटली मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता था। क्या है कि मेरा अभी जस्ट करंटली अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो कॉलेज में ही जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था। तो कॉलेज में ही जैसे कैंपस आया, कैंपस में मेरा सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग नहीं रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो हाई पैकेज वाली कंपनी थी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया अनफॉर्चुनेटली, थोड़ी देर कुछ दिनों बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन के बाद मुझे लगा कि अब लाइफ सेट है, क्योंकि अच्छा खासा पैकेज था उसका, 70-80 हज़ार सैलरी एक, जो कि हमारे लिए नॉर्मली हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उतना पैकेज बहुत है, हमें लगता है, हमारी फैमिली हमारी सोसाइटी में उतना लगता है कि बहुत है पैकेज है वो। तो 40-50-60 हज़ार की सैलरी का पैकेज मंथली के हिसाब से थी सैलरी। मुझे लगा कि सिलेक्शन हो गया, 2 राउंड इंटरव्यू, एक राउंड एचआर इंटरव्यू, एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ एक। तो इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर, इन्विटेशन लेटर आया, उसमें मुझे लगा हो गया अब। तो उन्होंने हालांकि हमें बताया था, मुझे बताया था कि एक होगा सिस्टम में ट्रेनिंग होगी 45 डेज़ की। 45 डेज़ में ही हम आपको 45 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। बट हमें मुझे जो उसमें फील हुआ, मुझे जो लगा कि भाई अब ये तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ये इनविटेशन लेटर आ गया, तो अब भाई जो ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग भी आती है ऑटोमेटिक, सिंपल तरीके से छोटी मोटी ट्रेनिंग होगी और निकल जाएगी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। मैं खुश, मैं घर में वालों को भी बताया, घर वाले भी खुश। कुछ सामान भी खरीदने पड़े गए उसके लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो लैपटॉप भी खरीदना पड़ा। उसके साथ साथ मैं घर वालों को बताया, घर वाले मैंने रिलेशन में सबको बता दी कि ये इस कंपनी में इसका सिलेक्शन हो गया है, ये इतनी सैलरी रहेगी, ये रहेगा, ऐसा वैसा, खूब शोर शराबा हो गया। मैं भी खुश कि हो गया, अब मेरा सेट है, कॉलेज से ड्रॉप आउट, कॉलेज कंप्लीट हुआ और ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके साथ साथ ही जॉब भी लग गई, तो अब क्या क्या चाहिए बस। तो उसके साथ ही मैं जब वहाँ गया कैंपस ट्रेनिंग में गया 45 डेज़ की इंदौर, तो इंदौर में शुरू शुरू में फर्स्ट डे जब गया बहुत खुश था कि अपन तो अब हो गया ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद हो गया ज्वाइनिंग लेटर। 45 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते हमें जो खुशी थी, मानो कि हमारा हो चुका है ये, 45 डेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते, लकीली मेहनत की थी, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत नहीं की थी मैंने, मेहनत की थी उस ट्रेनिंग को क्वालिफाई कर। जब वहाँ मैंने पहुँचा तो पता चला कि मुझे लगा कि मेनली चीज़ पहले मुझे ये लगा कि मैं जब जिस दिन फर्स्ट डे गया कि मैं हूँ, कुछ लोग और होंगे ट्रेनिंग के लिए, 8-10-15 लोगों की ट्रेनिंग होगी इंदौर में, कुछ ज़्यादा नहीं। वहाँ जब मैं ट्रेनिंग में पहुँचा तो वहाँ मुझे जितने बंदे मिले, कम से कम 150-200 बंदे थे, उसमें से उनको सेलेक्ट करना था, कितने 50-60 के बंदे निकालने थे और सबको बाहर, 50-30-40 के समथिंग थे, बाकी सबको बाहर। तो यार मैं तो पहले वो चीज़ शौक गए रह गया, फिर भी मुझे लगा कि यार अपना कहाँ होगा वो, तो मैं उतनी ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं थी, बट एक जज्बा था कि हाँ ट्राई करेंगे, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग में हो गया अपना अच्छा, मैंने परफॉर्म किया अच्छा, अच्छी जगह परफॉर्म किया। फर्स्ट राउंड मेरा अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब था, बट मैंने मेरी मेहनत का परफॉर्मेंस ठीक थी, मैंने मेहनत की थी, फर्स्ट राउंड निकल गया। सेकेंड राउंड मेरा जब हुआ तो वो 30 डेज़ का ट्रेनिंग की ट्रेनिंग थी। तो सेकेंड राउंड जो मेरी इंटर ट्रेनिंग चल रही थी उसमें मैंने मेहनत की, कुछ चीज़ें सही भी हुई, जो क्राइटेरिया उनका कंपनी का था कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, वो कुछ चीज़ें फुलफिल भी की और कुछ चीज़ें एक एक पॉइंट ऑफ व्यू छूट भी गया, एक क्राइटेरिया उनका जो था वो मैं नहीं कर पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा, जबकि उसके लिए मैंने मेहनत की थी, खूब मेहनत की उसमें, बहुत मतलब लगाया जी, सुबह उठना, मॉर्निंग में सुबह जाना, 8-7-8-9 बजे जाना, पहुंचना ऑफिस, और 10-11 बजे ऑफिस से घर आना, मैं रात को 10-11 बजे घर आना। तो मेहनत की बट उसका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा। तो वो जो पहले मैंने सोच के रखा था कि हो चुका है, वो चीज़ें जब सोचते हैं कि यार मैंने जब वो हमने पहले सोचा था जो कि पहले हो चुका है और वही चीज़ ना हो, घर वालों को भी पता, रिलेशन में भी पता, सबको पता ये चीज़ें कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका मनो सिलेक्शन हो, आप शिवम का कुछ भी हो सब सेट है, और वही चीज़ फिर लास्ट में ये निकले कि आपका नहीं हुआ है, आप बाहर हो,
तो क्या फीलिंग होती है आपको जब लगे कि आपका आपको ये नहीं ये चीज हो चुकी है, अब बस सेट है, वहीं से आपकी लाइफ में जस्ट टर्निंग पॉइंट आए कि नहीं अभी कुछ नहीं फिक्स नहीं है, अभी जस्ट एक और टर्न आउट है, तो वहीं से मेरा जो टर्न हुआ अभी, हालांकि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ फिर से अभी, तो उस टाइम पे मुझे यार लगा कि यार वो जो खुशी थी, मैंने पहले सोच के चला था कि यार हो चुका है, अब अपना सिलेक्शन हो चुका है, अब कोई दिक्कत ही नहीं की बात ही नहीं है, और सिलेक्शन के बाद कि अब ठीक है सब कुछ ठीक रहेगा, बट नहीं हुआ। तो वो चीज़ें सोचने में ये लगता है कि यार जो हम सोच के चलते हैं कि यार ये मिल गया चलो हो गया अब सेट है, फिर जैसे ये सोच के चलते लाइफ उसी टाइम पे, जीवन जिंदगी उसी टाइम पे जस्ट एक टर्न आउट लेती है, और जो आपका जो आप सोच के चलते हो कि ये सब सेट है, वहीं से आपका जस्ट टर्न आउट हो जाता है, पूरा हर चीज़ एकदम पूरी पलट जाती है। तो अभी हुआ है, अब हालांकि उन चीज़ों को लेके मैं प्रिपेयर हूँ कि आगे चल के कभी भी किसी भी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, तो उसमें यदि मुझे वो नहीं मिलता है या मैं उसको चलता हूँ कि ये मिल गया, तो ये चीज़ें मैं सोच के नहीं बैठूंगा कि सेट है, क्योंकि सेट कुछ नहीं है, आप सोच के चलते हो कि ये चीज़ें अब हो गई, अब हो गया, अब कुछ नहीं, अब आराम से सब कुछ हो जाएगा, रिलैक्स, अब ज़्यादा कुछ नहीं, उसी टाइम पे जस्ट एक आपकी लाइफ टर्न करती है, आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट है, फिर दूसरा ज़िंदगी दूसरी मोड़ लेती है कि आपको जो आप सोच के चल रहे होते हो जस्ट उसका सब कुछ अपोजिट होता है। ये चीज़ें मैंने अपने जीवन में सोचा है कि अब ऐसा नहीं कर, ऐसा सोच के नहीं चलना है और ऐसा थिंकिंग नहीं रखनी कभी। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, और हुआ है तो बताइएगा, और साथ में साथ इन चीज़ों को लेके आप भी प्रिपेयर रहिए कि आप भी कुछ चीज़ों को लेके यदि आगे चल के सोच रहे हैं कि ये चीज़ें हो चुक गई अब सेट है, वहीं पे कहीं जीवन में आपकी भी टर्निंग आ सकती है, इन चीज़ों को लेके आप भी प्रिपेयर रहिएगा। बस यही बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो स्टोरी बताइएगा मुझे। ठीक, थैंक यू।